सीरीज ऑफ थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के नाइन्थ वीडियो में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में एंगल बिटवीन टू लाइंस के बारे में बताऊंगा कि यदि दो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, चाहे वो वेक्टर फॉर्म में है या फिर कार्टेशियन फॉर्म में है, तो उसके बीच का कैसे एंगल निकालते हैं, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को भी सॉल्व करूंगा। इस वीडियो के पहले मैं थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री पर 8 वीडियोज अपलोड कर चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं या ऊपर आ रहे आई बटन को भी प्रेस करके थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एमए क्लासेज, मैं हूं सुनील कुमार। इस चैनल पर मैं मैथमेटिक्स का ही वीडियो लेकर के आता हूं। आप यदि इस चैनल में पहली बार आए हैं या फिर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे। यदि वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरे चैनल के वीडियो देखने के लिए आप एमए क्लासेज को क्लिक करें। एमए क्लासेस को क्लिक करने के साथ होम पेज खुल जाएगा। होम पेज में आप प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में आपको डिफरेंट टॉपिक्स का वीडियोज मिल जाएगा। आप जिस टॉपिक के वीडियो देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। जैसे आप सिंप्लेक्स मेथड का वीडियो देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। अब सिंप्लेक्स मेथड पर जो भी वीडियो यहाँ आपके सामने आ जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ सबसे पहले हम लोग देखेंगे एंगल बिटवीन टू लाइन्स, दो लाइन के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं। अब वो लाइन का इक्वेशन या तो वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ हो सकता है या फिर कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वेक्टर फॉर्म वाला कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस आर इक्वल टू ए वन प्लस लिमडा बी वन एंड आर इक्वल टू ए टू प्लस म्यू बी टू। ये दो लाइन का वेक्टर इक्वेशन दिया हुआ है। अब इस दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना है। तो ये वेक्टर इक्वेशन क्या होता है, मैं प्रीवियस वीडियो में ऐसे बता चुका हूँ कि लाइन का जो वेक्टर इक्वेशन होता है और कार्टेशियन इक्वेशन होता है वो क्या होता है, कैसे उसको निकालते हैं, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को भी आप अगर अच्छी तरीके से जानते हैं तो इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, अगर नहीं जानते हैं तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ इसके बारे में कि वेक्टर इक्वेशन लाइन का ये होता है आर इक्वल टू ए वेक्टर ए प्लस लेमडा इंटू वेक्टर बी। ये कौन सा लाइन का इक्वेशन होता है, यदि लाइन एक फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर ए है और ये लाइन अगर वेक्टर बी के पैरेलल है, वेक्टर बी के पैरेलल है लाइन, दो चीज़ है कि लाइन एक फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर ए है और ये लाइन इस वेक्टर के पैरेलल है, तो इस लाइन का इक्वेशन होता है आर इक्वल टू ए प्लस लिमडा बी, जहाँ लिमडा एक स्केलर होता है, कोई भी स्केलर हो सकता है, इसको पैरामीटर भी कहते हैं। और R क्या होता है, R जो बताता है वो इस लाइन के किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताता है, यानी कि किसी भी पॉइंट का हो सकता है, इसका 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 किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो सकता है ये R। तो ये जो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है ये बता रहा है कि जिस फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रहा है उसका पोजीशन वेक्टर, और ये बी बता रहा है कि ये लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल है उस वेक्टर को बता रहा है, मतलब लिमडा इनटू बी जो लगा हुआ है यहाँ पर, बी बताता है कि ये लाइन इस वेक्टर के बी वेक्टर के पैरेलल है। तो अब जरा देखिए, यहाँ पर दो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। यहाँ पर एक दिया हुआ आर इक्वल टू ए वन प्लस लेमडा बी वन और दूसरा है विक्टर आर इक्वल टू ए टू प्लस म्यू बी टू। तो ये दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना है। सपोज कीजिए दो लाइन ऐसा है, एक लाइन ये है, ये हम लोग एक लाइन ले रहे हैं फर्स्ट लाइन, और सेकेंड लाइन ऐसा है, सेकेंड लाइन जो है वो ये वाला है, और दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है वही निकालना है। इस लाइन का इक्वेशन क्या है, इस लाइन का इक्वेशन है आर इक्वल टू ए वन विक्टर ए वन प्लस लिमडा इंटू विक्टर बी वन, और इस लाइन का इक्वेशन क्या है आर इक्वल टू विक्टर ए टू प्लस म्यू इंटू विक्टर बी टू। अब दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है उसी एंगल को निकालना है। तो कैसे निकालते हैं जरा देखिए, मैं अभी बता रहा था कि ये जो लाइन दिया हुआ है ये विक्टर बी वन के पैरेलल होगा। तो मान लीजिए ये है विक्टर बी वन, सपोज करते हैं यहाँ पर ये जो है वो विक्टर बी वन है, ये वेक्टर b1 के पैरेलल है ये वाला ये लाइन, और ये लाइन जो है वो किसके पैरेलल होगा, वेक्टर b2, वेक्टर b2 के पैरेलल है। तो सपोज कीजिए ये एक वेक्टर बना रहे हैं वेक्टर b2 और इसके पैरेलल है, तो ये लाइन इस वेक्टर के पैरेलल है, ये लाइन इस वेक्टर के पैरेलल है। अब जरा ध्यान दीजिए, जो एंगल लाइन के बीच बन रहा है वही एंगल बनेगा इस दोनों वेक्टर के बीच। क्यों, अब जरा सोचिए, ये दोनों ये वेक्टर इस लाइन के पैरेलल है, ये वेक्टर इस लाइन के पैरेलल है, तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल और लाइन के बीच का एंगल दोनों सेम होगा। कारण आप जानना चाहते हैं तो देखिए, इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं और इसको भी आगे बढ़ाते हैं,
तो एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये पैरेललोग्राम बन गया। तो ये जब लाइन पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा, और जब ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा क्योंकि ये भी तो दोनों पैरेलल है, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वही एंगल यहाँ पर भी बनेगा। तो इसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब जरा देखिए आगे हम लोग कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। लिख रहे हैं कि गिवन लाइन्स आर, ये दो लाइन तो दिया हुआ है, नंबर वन और नंबर टू कर दिए। दिस टू लाइन्स आर पैरेलल टू वेक्टर बी वन एंड वेक्टर बी टू। ये दोनों लाइन एक वेक्टर बी वन के पैरेलल है और दूसरा वेक्टर बी टू के पैरेलल है रिस्पेक्टिवली। देयर फोर एंगल बिटवीन लाइन्स वन एंड टू। अब ये दोनों लाइन के बीच का जो एंगल होगा वो एंगल बिटवीन वेक्टर बी वन एंड वेक्टर बी टू, दोनों लाइन के बीच जो एंगल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल बिटवीन वेक्टर बी वन एंड वेक्टर बी टू, और सपोज कर लेते हैं उसको हम लोग थिट्टा, थिट्टा मान लेते हैं। तो अब देखिए थिट्टा क्या हो गया, देयर फोर थिट्टा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन, ये दो वेक्टर के बीच का हो गया, एंगल बिटवीन वेक्टर बी वन एंड वेक्टर बी टू, दो वेक्टर के बीच का एंगल हो गया ये। तो अब दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, ये बी वन और बी टू के बीच का एंगल है तो इसको कैसे निकालते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है वेक्टर बी वन डॉट वेक्टर बी टू डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी वन इंटू मॉड ऑफ बी टू। तो ये निकल गया फॉर्मूला, दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है तो इसी फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। क्या है जरा समझिए कि ये दो लाइन दिया हुआ है, वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन दिया हुआ है, और इस दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो थीटा कॉस थीटा कैसे निकालेंगे, मॉड ऑफ बी वन सॉरी वेक्टर बी वन इंटू वेक्टर बी टू, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, डिवाइड करेंगे मॉड बी वन और मॉड बी टू से डिवाइड कर देंगे, तो इससे कॉस थीटा निकल जाएगा, और कॉस थीटा निकल जाएगा तो थीटा निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कंडीशन क्या है फॉर परपेंडिकुलरिटी, कंडीशन जो है वो परपेंडिकुलर के लिए क्या कंडीशन है। दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है, सपोज कीजिए लाइन वन जो है वो परपेंडिकुलर है लाइन टू पर, लाइन टू पर परपेंडिकुलर है, जैसे एक लाइन ये है फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन ये है, ये दोनों सॉरी परपेंडिकुलर है, सेकेंड लाइन ऐसा है, ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो फर्स्ट जो लाइन था वो वेक्टर बी वन के पैरेलल था, और सेकेंड लाइन जो था वो वेक्टर बी टू के पैरेलल था। तो अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो वेक्टर भी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा, तो इम्प्लाइज वेक्टर बी वन इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी टू। और अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, बी वन डॉट बी टू इक्वल टू जीरो हो जाता है। तो ये कंडीशन निकल गया, यानी कि दो लाइन जो यहाँ पर दिया हुआ है, ये दो लाइन का इक्वेशन, ये दोनों कब एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा, यदि बी वन डॉट बी टू जीरो आ जाए, बी वन वेक्टर बी वन डॉट वेक्टर बी टू इक्वल टू जीरो आ जाए, तो दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो जाएगा। और हम लोग देखते हैं कंडीशन फॉर पैरेललिज्म, तो दो लाइन कब पैरेलल होगा, जैसे मान लीजिए एक लाइन फर्स्ट जो लाइन है वो लाइन ये वाला है और सेकेंड लाइन ये है, सेकेंड लाइन ये, दोनों पैरेलल कब होगा। तो पैरेलल के लिए फर्स्ट लाइन वेक्टर बी वन के पैरेलल है और सेकेंड लाइन वेक्टर बी टू के पैरेलल है। तो अगर लाइन पैरेलल है तो बी वन और बी टू भी पैरेलल होगा। मान लीजिए यहाँ पर लाइन वन इज पैरेलल टू लाइन टू, ये जो है वो दोनों पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वेक्टर बी वन भी पैरेलल होगा वेक्टर बी टू का। और दो वेक्टर कब पैरेलल होता है, अगर ये दोनों वेक्टर पैरेलल है तो इसमें लिम्डा से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे बी टू में, तो वो किसके बराबर आएगा, बी वन के बराबर। तो दो वेक्टर पैरेलल होता है यदि बी वन इक्वल टू लिम्डा बी टू हो जाए। तो अगर हम लोग ये दिखा दें, लिम्डा यहाँ पर ऑलरेडी है तो यहाँ पर लिम्डा नहीं लिख करके कोई भी स्केलर लिख सकते हैं, यहाँ पर के स्केलर लिख देते हैं। तो यदि बी वन इक्वल टू के बी टू दिया अगर आ जाता है तो इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा। हम लोग देखेंगे बी वन वेक्टर और बी टू वेक्टर के बीच क्या रिलेशन है। अगर बी वन इक्वल टू आ जाता है सम स्केलर इंटू बी टू, यहाँ के स्केलर है, तो बी वन इक्वल टू सम स्केलर इंटू बी टू आ जाता है, तो इसका मतलब ये दोनों लाइन जो है वो पैरेलल हो जाएगा। तो ये हो गया दो लाइन जिसका वेक्टर इक्वेशन दिया हुआ है उसका एंगल निकालने का, और वो दोनों लाइन कब पैरेलल होगा कब परपेंडिकुलर होगा। अब हम लोग देखते हैं कि अगर कार्टेशियन इक्वेशन दिया हुआ हो लाइन का तो कैसे हम लोग दोनों के बीच का एंगल निकालेंगे।
अब हम लोग लेते हैं कार्टेशियन फॉर्म कि लेट द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द टू लाइंस बी दिस। एक लाइन का ये इक्वेशन है कार्टेशियन फॉर्म में और दूसरा ये इक्वेशन है। ये कौन सा लाइन है? जैसे समझिए, मैं पहले बताया हूँ प्रीवियस वीडियो में कि अगर कोई लाइन एक फिक्स्ड पॉइंट से पास करता हो जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वन, वाई वन और जेड वन, एक फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रहा है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और ये लाइन का डायरेक्शन रेशियो अगर मान लीजिए ए बी और सी के प्रोपोर्शनल है, यानी इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो ए बी सी है, तो इस लाइन का जो इक्वेशन होता है वो एक्स माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन डिवाइडेड बाई सी होता है। यानी कि ये जो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है उसमें से x1, y1, z1 क्या बताता है? x1, y1, z1 एक ऐसा पॉइंट बताता है जो लाइन पर होगा, वो एक फिक्स्ड पॉइंट होगा, और ए बी सी क्या बताता है? ए बी सी बताता है इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो बताता है, यानी कि ये लाइन का डायरेक्शन रेशियो ए बी सी के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर x1, y1, z1 वो पॉइंट जहाँ से ये पास कर रहा है और ए बी सी इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो। तो यहाँ पर दो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, एक ये है और एक ये है, दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो जरा समझिए, यहाँ पर दो लाइन जो दिया हुआ है हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। तो मान लीजिए एक लाइन ऐसा है और दूसरा लाइन जो है वो मान लेते हैं कि ऐसा है, और यही दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना है। इसको वन कर देते हैं, इसको टू कर देते हैं, ये फर्स्ट लाइन हो गया, ये सेकेंड लाइन, और उसके बीच का एंगल निकालना है। तो हम लोग मान लेते हैं इसके बीच का एंगल थीटा, तो यही थीटा निकालेंगे। अब जरा देखिए कि ये जो लाइन है उसका डायरेक्शन रेशियो ए वन, बी वन और सी वन होगा फर्स्ट लाइन का। तो फर्स्ट लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो होगा ए वन, बी वन, सी वन, और सेकेंड लाइन के बारे में देखिए कि सेकेंड लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो ए टू, बी टू और सी टू होगा। इसका जो डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे वो डायरेक्शन रेशियो आएगा ए टू, बी टू और सी टू। अब ऐसा करते हैं कि इस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर लेते हैं, इस लाइन के पैरेलल हम लोग एक वेक्टर लेते हैं, इसको वेक्टर एम वन मानते हैं, और इस लाइन के पैरेलल भी एक वेक्टर लेते हैं। मान लीजिए ये वेक्टर है, उस लाइन के पैरेलल ये मानते हैं एम टू। तो इस दोनों के बीच एंगल और ये दोनों लाइन के बीच एंगल दोनों सेम होगा, वेक्टर के बीच का एंगल और लाइन के बीच का एंगल, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, ये पैरेलल है इस लाइन के, ये पैरेलल है इस लाइन के, मैं अभी बता रहा था। तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, तो हम लोग ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल अगर निकाल देते हैं तो वही लाइन के बीच का एंगल निकल जाएगा। तो अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन वन, इस लाइन वन का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा ए वन, बी वन, सी वन। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन वन आर प्रोपोर्शनल टू ए वन, बी वन, सी वन, एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन टू आर प्रोपोर्शनल टू ए टू, बी टू, सी टू। इसका डायरेक्शन रेशियो ए टू, बी टू, सी टू के प्रोपोर्शनल है। मान लेते हैं कि एम वन इक्वल टू विक्टर पैरल टू लाइन वन, लाइन फर्स्ट के पैरल, देखिए लाइन फर्स्ट के पैरल जो विक्टर है उसको हम लोग एम वन सपोज कर रहे हैं, और एम टू इक्वल टू विक्टर पैरल टू लाइन टू, लाइन टू के जो वेक्टर है, लाइन टू के पैरेलल जो वेक्टर है उसको हम लोग M2 सपोज कर रहे हैं। तो अब जरा देखिए, देयरफॉर एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन लाइंस वन एंड टू, लाइंस वन एंड टू दोनों के बीच जो एंगल होगा वो किसके बराबर होगा? एंगल बिटवीन वेक्टर B1 एंड B2, दोनों लाइन के बीच का एंगल और दोनों वेक्टर के बीच का, वेक्टर यहां पर M1 और M2 है, M1 है विक्टर और दूसरा विक्टर है M2, तो दोनों लाइन के बीच जो एंगल बन रहा है और दोनों विक्टर M1 M2 के बीच का एंगल बन रहा है वो दोनों सेम होगा। इसको हम लोग मान लेते हैं थीटा से। अब हम लोग क्या करते हैं? कॉस थीटा निकालते हैं। तो कॉस थीटा निकालेंगे, लेकिन पहले M1 के बारे में लिख लेते हैं कि M1 क्या होगा, M2 क्या होगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, M1 जो वेक्टर है उसी के पैरेलल ये लाइन है और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो A1, B1, C1 है, तो M1 का भी डायरेक्शन रेशियो यही होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं, नाउ M1 वेक्टर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? जो डायरेक्शन रेशियो लाइन का है वही डायरेक्शन रेशियो इसका भी होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल है तो इसका भी डायरेक्शन रेशियो यही होगा। और अगर डायरेक्शन रेशियो पता है तो इसका वेक्टर लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? M1 वेक्टर इक्वल टू क्या होगा? A1 i कैप प्लस B1 j कैप
प्लस सी वन के कैप, ये पहले वाले वीडियो में मैं बताया हूँ इसके बारे में। इसी तरीके से ये जो वेक्टर है वो इस लाइन के पैरेलल है तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो सेम होगा, तो M2 का भी डायरेक्शन रेशियो यही होगा। तो M2 का जब डायरेक्शन रेशियो पता है तो M2 वेक्टर लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं ए टू आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस सी टू के कैप। अब ये दोनों वेक्टर पता चल चुका है, उसके बीच का एंगल निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हैं, कॉस थीटा निकालने का फॉर्मूला होता है दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालने का, एम वन डॉट एम टू और डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ एम वन इंटू मॉड ऑफ एम टू। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो कॉस थीटा इक्वल टू एम वन का वैल्यू पुट करते हैं, तो एम वन का वैल्यू क्या है, ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप, और डॉट M2 का वैल्यू पुट करते हैं तो A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप, और डिवाइड करते हैं हम लोग मॉडुलस से, तो मॉडुलस कैसे निकलता है, रूट ओवर यहाँ पर हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, और M2 का मॉडुलस इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो रूट ओवर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। अब ये कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला निकल गया, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलता है ये आप लोग को पता होगा, वेक्टर में पढ़े होंगे, तो A1 इंटू A2 हो जाएगा, A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 इन प्लस C1 इंटू C2, और यहाँ पर ये रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर को ज्यों कहते हो, यहाँ पर भी A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर को भी ज्यों कहते हो। तो ये कॉस थीटा निकालने का फॉर्मूला हो गया। यदि कार्टिजन इक्वेशन दिया हुआ है दोनों लाइन का, जैसे ये कार्टिजन इक्वेशन दिया हुआ है, तो यहाँ से A1 B1 C1 और A2 B2 C2 जो है उसका यूज करके, जो डायरेक्शन रेशियो है दोनों लाइन का उसका यूज करके हम लोग उसके बीच का एंगल कॉस थीटा निकाल सकते हैं। कॉस थीटा निकल जाएगा तो थीटा निकल जाएगा। तो ये तरीका हो गया, ये फॉर्मूला हो गया अगर कार्टिजन फॉर्म में लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है तो उसके बीच का एंगल निकालने का। अब हम लोग देखेंगे कि दोनों लाइन कब परपेंडिकुलर होगा, कब पैरेलल होगा। कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी, मान लीजिए लाइन वन जो है, लाइन वन इज परपेंडिकुलर टू लाइन टू, ये जो दो लाइन का इक्वेशन हमारे पास है, ये और ये दोनों लाइन सपोज कर लेते हैं कि परपेंडिकुलर है। अगर ये लाइन परपेंडिकुलर है तो इसी लाइन के पैरेलल वेक्टर एम वन माने थे, फर्स्ट जो लाइन था उसके पैरेलल एक वेक्टर हम लोग एम वन अभी सपोज किए थे, और दूसरा जो लाइन है मान लीजिए ये लाइन है, दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, ये सेकेंड लाइन हो गया, तो ये इसके पैरेलल वेक्टर M2 था, ये वेक्टर M2 है। अब दोनों लाइन जब परपेंडिकुलर है तो वेक्टर भी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो M1 जो है वेक्टर वो परपेंडिकुलर होगा, किसके परपेंडिकुलर होगा, वेक्टर M2, और दोनों वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो जीरो आ जाएगा, और M1 का वैल्यू क्या था, M1 का वैल्यू था A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप, और M2 का वैल्यू क्या था, अभी लिखे थे A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप, और ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2, और ये हो जाएगा जीरो। तो ये हो गया दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो इसके लिए कंडीशन। अगर ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, इसके लिए दोनों के डायरेक्शन रेशियो का, करिस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम जो है वो जीरो हो जाना चाहिए। A1 बाय A2 प्लस B1 बाय B2 प्लस C1 बाय C2 इक्वल टू अगर जीरो हो जाए तो ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कंडीशन फॉर पैरेललिज्म, दो लाइन पैरेलल हो इसके लिए क्या कंडीशन होगा। मान लीजिए एक लाइन ये है फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन ये है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो अभी मैं बता रहा था कि फर्स्ट लाइन जो है वो वेक्टर M1 के पैरेलल है और सेकेंड लाइन वेक्टर M2 के पैरेलल है। जब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये वेक्टर M1 और वेक्टर M2 भी पैरेलल होगा। तो लाइन वन जो है वो पैरेलल है लाइन टू का। अब हम लोग जब लाइन वन और लाइन टू को पैरेलल ले रहे हैं तो M1 वेक्टर भी M2 वेक्टर के पैरेलल होगा।
अब जब ये दोनों वेक्टर अगर पैरेलल है तो हम लोग लिख सकते हैं m1 वेक्टर इक्वल टू लैम्डा इनटू वेक्टर m2, और m1 का वैल्यू क्या था, m1 का वैल्यू था a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, और यहाँ पर लैम्डा रहने दीजिए, m2 का वैल्यू क्या था, m2 का वैल्यू था a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। अब दोनों इक्वल है तो यहाँ पर हम लोग कोएफिशिएंट को इक्वल कर देते हैं। देखिए i का कोएफिशिएंट a1, यहाँ पर i का कोएफिशिएंट है लैम्डा a2, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ a1 इक्वल टू लैम्डा a2। फिर देखिए j का कोएफिशिएंट यहाँ पर b1, और यहाँ पर j का कोएफिशिएंट हो जाएगा लैम्डा b2, तो b1 इक्वल टू लैम्डा b2 हो जाएगा। और k का भी कोएफिशिएंट इक्वल होगा, c1 है यहाँ पर, और यहाँ पर k का कोएफिशिएंट है c2 लैम्डा, तो c1 इक्वल टू लैम्डा c2। अब ये इधर आप डिवाइड कर दीजिए तो a1 डिवाइडेड बाय a2 इक्वल टू लैम्डा आएगा, यहाँ पर b1 डिवाइडेड बाय b2 इक्वल टू लैम्डा आएगा, और यहाँ से आएगा c1 डिवाइडेड बाय c2 इज इक्वल टू लैम्डा। ये तीनों लैम्डा के इक्वल है तो हम लोग कह सकते हैं कि a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2। तो ये कंडीशन हो गया दोनों लाइन पैरेलल होने का, यानी कि ये जो लाइन है फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन, ये पैरेलल कब होगा, जब इसके डायरेक्शन रेशियो का रेशियो, करिस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियो का रेशियो ए वन बाई ए टू, बी वन बाई बी टू, सी वन बाई सी टू अगर इक्वल हो जाए तो ये दोनों लाइन जो है वो पैरेलल हो जाएगा। तो ये कंडीशन फोर परपेंडिकुलर, कंडीशन फोर पैरेलल का निकल गया। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग एक क्वेश्चन ले रहे हैं कि फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। ये दो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, वेक्टर इक्वेशन दिया हुआ है, उसके बीच का एंगल निकालना है। एक्चुअली जो लाइन का इक्वेशन होता है वो r इक्वल टू ए वन प्लस लैम्डा बी वन और r इक्वल टू ए टू प्लस म्यू बी टू, इसी फॉर्म में है ये दोनों लाइन का इक्वेशन। तो जरा देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि ये नंबर वन कर देते हैं, ये लाइन फर्स्ट है और ये लाइन जो है वो सेकेंड है। तो हम लोग लिखते हैं इसके बीच में कि लेट थीटा इक्वल टू एंगल बिटवीन लाइंस वन एंड टू, एंगल बिटवीन लाइंस वन एंड टू, दोनों के बीच का एंगल को हम लोग मान लेते हैं थीटा। अब देखिए ये जो फर्स्ट लाइन है वो एक वेक्टर के पैरेलल होगा। मैं अभी बता रहा था कि अगर कोई लाइन है जिसका इक्वेशन ऐसा लिखा हुआ आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी, तो ये किस वेक्टर के पैरेलल होता है, वेक्टर बी के पैरेलल होता है। ये जो लाइन है वो वेक्टर बी के पैरेलल होगा, यहाँ पर एक वेक्टर मिल जाएगा वेक्टर बी, उसके पैरेलल होगा। तो यहाँ देखिए आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी है, मतलब ये इस वेक्टर के पैरेलल होगा, तो इसको बी वन मान लेते हैं। यहाँ लिखते हैं सिंस लाइंस वन, लाइंस लाइन वन, लाइन वन इज पैरेलल टू, ये पैरेलल है पैरेलल टू वेक्टर बी वन, और बी वन इक्वल टू क्या है, b1 इक्वल टू है i प्लस टू जे माइनस टू के, यही है इसी वेक्टर के पैरेलल होगा। एंड लाइन टू, लाइन टू किसके पैरेलल है, इज पैरेलल टू, ये जो है वेक्टर b2 मान लेते हैं, जिसके पैरेलल है वो वेक्टर b2। तो वेक्टर b2 इक्वल टू होगा क्या, देखिए यहाँ पर ये जो है वो r इक्वल टू a प्लस म्यू b अगर हो रहे, अगर r वेक्टर वेक्टर r इक्वल टू a प्लस म्यू b रहे तो म्यू के साथ जो कोएफिशिएंट होगा उसके पैरेलल होगा। तो यहाँ पर म्यू के साथ कोएफिशिएंट क्या, माइनस के साथ में लिखना पड़ेगा, क्योंकि प्लस म्यू, प्लस म्यू से कंपेयर कीजिएगा, यहाँ पर प्लस म्यू का कोएफिशिएंट लिखिएगा, तो प्लस म्यू का कोएफिशिएंट आएगा माइनस टू आई प्लस फोर जे माइनस फोर के, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। तो ये जो लाइन है वो इस वेक्टर के पैरेलल हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि थीटा जो है वो एंगल बिटवीन लाइंस वन एंड टू माने हैं, तो थीटा जो है वो कैसे निकालते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू, निकालने का फॉर्मूला मैं अभी बता चुका हूँ कि ये बी वन का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से बी टू का वैल्यू निकाल लेंगे, तो कॉस थीटा निकालने का फॉर्मूला होता है विक्टर बी वन डॉट विक्टर बी टू डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी वन इंटू मॉड ऑफ बी टू। तो यहाँ पर हम लोग वही काम करेंगे, इसको आप ऐसा कर सकते हैं माइनस से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, माइनस टू आई माइनस फोर जे और माइनस माइनस प्लस फोर के। तो देखिए बी वन का वैल्यू है, यहाँ पर बी वन का वैल्यू हम लोग लिख रहे हैं कितना है, आई प्लस टू जे माइनस टू के, और डॉट बी टू का वैल्यू है माइनस टू आई कैप माइनस फोर जे कैप प्लस फोर के कैप, और डिवाइडेड बाय
इसका मॉडुलस है, मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इसका फर्स्ट का बी वन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट ओवर वन स्क्वायर, यही बी वन है, तो वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस माइनस टू का होल स्क्वायर। और सेकेंड ये है बी टू, तो बी टू ये है इसका मॉडुलस मैग्नीट्यूड क्या होगा, माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस माइनस फोर का होल स्क्वायर प्लस फोर का होल स्क्वायर, इसका रूट अंडर। अब देखिए इसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, कैसे डॉट प्रोडक्ट निकलेगा, जो कोएफिशिएंट है वन को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टू से, प्लस टू को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस फोर से, प्लस माइनस टू को मल्टीप्लाई करेंगे फोर से, और डिवाइडेड बाय, ये आप चेक कर लीजिए, ये आ रहा है फोर प्लस फोर एट प्लस वन नाइन आ रहा है यहाँ पर, तो नाइन का स्क्वायर रूट थ्री हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन थर्टी टू और प्लस फोर थर्टी सिक्स, थर्टी सिक्स का रूट अंडर सिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये क्या आ रहा है, यहाँ पर हो जाएगा माइनस टू और यहाँ पर हो जाएगा माइनस एट, यहाँ पर हो जाएगा माइनस सिक्सटीन, सॉरी माइनस एट यहाँ पर भी आएगा, माइनस एट यहाँ पर भी हो रहा है, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर आ रहा है एटीन, तो ये हो गया माइनस एटीन डिवाइडेड बाय एटीन, यानी कि ये कट करके माइनस वन आ रहा है, तो कॉस थीटा इक्वल टू माइनस वन आ गया, देयर फोर कॉस थीटा इक्वल टू माइनस वन, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू पाई हो जाएगा, आपको पता है कॉस पाई इक्वल टू माइनस वन होता है, तो दोनों के बीच का एंगल जो है, दोनों वेक्टर जो दिया हुआ है उसके बीच का एंगल यहाँ पर पाई निकल गया, तो ये थीटा इक्वल टू यहाँ पर पाई आ गया, यही आंसर हो जाएगा। लेकिन आप जरा ध्यान दीजिए कि दो लाइन के बीच का जो एंगल होगा, ये लाइन है और ये लाइन है, तो दोनों के बीच का जो एंगल निकलता है वो दो तरह का एंगल, एक होता है एक्यूट और दूसरा होता है ऑब्ट्यूज। अगर पाई एंगल आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये एंगल पाई होगा, ये एंगल पाई कब होगा, जब फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन भी कोइंसाइड कर जाए, तो दोनों लाइन कोइंसाइड कर जाएगा, तो उसके बीच का एंगल हो जाएगा पाई, तो पाई भी कर सकते हैं या फिर आप जीरो डिग्री भी कर सकते हैं, तो पाई भी आप आंसर लिख सकते हैं या फिर क्या लिख सकते हैं, और थीटा इक्वल टू आप जीरो भी लिख सकते हैं, जीरो डिग्री या जीरो रेडियन जो भी कहिए, तो थीटा इक्वल टू जीरो भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों कोइंसाइड हो जाएगा, जब पाई एंगल आ रहा है तो दोनों कोइंसाइड कर जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यदि दो वेक्टर का, दो लाइन का वेक्टर इक्वेशन दिया हुआ हो, तो हम लोग इसके बीच का एंगल निकाल सकते हैं। क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहला फर्स्ट वेक्टर देखना पड़ेगा कि फर्स्ट लाइन देखना पड़ेगा कि किस वेक्टर के पैरेलल है, उसको b1, और सेकेंड लाइन जो है वो किस वेक्टर के पैरेलल है, उसको b2 कर लेंगे, और उसके बाद b1 और b2 का यूज करके इस फॉर्मूला में हम लोग उसका एंगल निकाल लेंगे। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं अगर वेक्टर इक्वेशन दिया हुआ है लाइन का तब, और अगर कार्टेशियन इक्वेशन दिया हुआ हो तो कैसे निकालेंगे, चलिए उसको देखते हैं। देखिए फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस, ये दो लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन दिया हुआ है, उसके बीच का एंगल निकालना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग सिमेट्रिक फॉर्म में, अगर नहीं है तो सिमेट्रिक फॉर्म में लिख लेंगे। क्या होता है सिमेट्रिक फॉर्म, लाइन का इक्वेशन ये होता है एक्स बाय एक्स माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन डिवाइडेड बाई सी। सबसे पहले यहाँ पर ये देखेंगे कि एक्स वाई और जेड का जो कोएफिशिएंट है वो यूनिटी होना चाहिए, वन होना चाहिए कोएफिशिएंट। यहाँ पर देखिए एक्स का कोएफिशिएंट तो वन है, लेकिन वाई का कोएफिशिएंट वन नहीं है, यहाँ टू है, यहाँ जेड का कोएफिशिएंट वन है, यहाँ पर एक्स का, वाई का और जेड का कोएफिशिएंट वन है, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको चेंज करने की जरूरत है, इसको सिमेट्रिक फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो कैसे लाएंगे जरा समझिएगा, इसी को सिमेट्रिक फॉर्म कहते हैं। तो इक्वेशन वन कैन बी रिटन एज, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, इक्वेशन वन कैन बी रिटन एज, हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं। देखिए कैसा लिख रहे हैं कि ये तो ज्यों का त्यों रहने दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो कोएफिशिएंट यूनिटी है ही, यहाँ पर यूनिटी नहीं है, तो टू से ऊपर और नीचे डिवाइड कर दीजिए, न्यूमरेटर में टू से डिवाइड करेंगे तो वाई प्लस थ्री, तो प्लस थ्री को हम लोग ऐसा लिखते हैं वाई माइनस माइनस थ्री, प्लस थ्री हो जाएगा ये, और डिवाइडेड बाई यहाँ पर भी टू से डिवाइड करेंगे तो माइनस वन हो जाएगा, और यहाँ पर जेड माइनस थ्री डिवाइडेड बाई वन रहने दीजिए। इक्वेशन वन एंड टू दोनों को लिखते हैं, इक्वेशन वन एंड टू कैन बी रिटन एज, तो टू को भी लिख दीजिए, इसको थ्री कर देते हैं। अब टू को जरा समझिए, ऐसे टू को लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इसको सिर्फ थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, वाई माइनस माइनस वन कर दे रहे हैं डिवाइडेड बाई फोर, और जेड माइनस सिक्स डिवाइडेड बाई फाइव। अगर मान लीजिए यहाँ पर भी यूनिटी नहीं होता तो इसमें भी हम लोग चेंज करके यूनिटी कर लेते हैं, तो यूनिटी करने के लिए जो भी यहाँ पर वाई का कोएफिशिएंट टू है, तो टू से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे।
तो ये तो ऑलरेडी था ही, यहाँ पर हम लोग सिर्फ किए प्लस के बदले माइनस माइनस वन किए, क्योंकि एक्स माइनस एक्स वन होता है, वाई माइनस वाई वन होता है, जेड माइनस जेड वन होता है। तो अब देखिए ये तो लाइन का सिमेट्रिक फॉर्म में आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो लाइन है उसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, जो नीचे जो होता है वो डायरेक्शन रेशियो बताता है। तो देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन थ्री, लाइन थ्री का जो डायरेक्शन रेशियो होगा क्या होगा, लाइन थ्री आर प्रोपोर्शनल टू, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, प्रोपोर्शनल टू वन माइनस वन, वन वन हो गया, माइनस वन हो गया वन, दैट इज इसको हम लोग कह देते हैं ए वन बी वन सी वन, यहाँ लिख दीजिए सी, इसी को हम लोग ए वन बी वन सी वन मान रहे हैं। एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन फोर आर प्रोपोर्शनल टू, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो थ्री फोर फाइव हो गया, प्रोपोर्शनल टू थ्री फोर और फाइव, जिसको हम लोग कह रहे हैं ए टू बी टू और सी टू, यहाँ से कर देते हैं। अब हम लोग दोनों के बीच का एंगल थीटा मान लेते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ लेट थीटा इक्वल टू एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन लाइंस वन एंड टू, वन और टू के बीच का एंगल थीटा है। तो देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है ए वन ए टू, मैं अभी बता चुका हूँ, प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू डिवाइडेड बाय रूट ओवर ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर इंटू रूट ओवर ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर। अब इस फॉर्मूला में हम लोग पुट कर देंगे तो ए वन का वैल्यू वन है, बी वन का माइनस वन है, सी वन का वन है, तो ए वन का वैल्यू वन, ए टू का वैल्यू देखिए ए टू का वैल्यू थ्री है, प्लस बी वन का वैल्यू है माइनस वन, और बी टू का वैल्यू फोर है, फिर सी वन का वैल्यू आप देखिए वन है, और सी टू का वैल्यू है फाइव, और डिवाइडेड बाय रूट ओवर ये तीनों के स्क्वायर का सम वन प्लस वन प्लस वन आएगा स्क्वायर करने पर, और ये फिर तीनों के स्क्वायर का सम ए टू बी टू सी टू का, तो ये आएगा नाइन प्लस सिक्सटीन प्लस ट्वेंटी फाइव। तो ये देखिए अब क्या आ रहा है, यहाँ पर थ्री हो जाएगा और यहाँ पर माइनस फोर प्लस फाइव, और नीचे आपका रूट अंडर थ्री आ रहा है, और ये आप ऐड कीजिएगा तो रूट अंडर फिफ्टी आ रहा है, तो ऊपर आ रहा है फाइव प्लस थ्री एट, एट में फोर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फोर, और डिवाइडेड बाय इसको फाइव रूट टू लिख सकते हैं, और यहाँ पर है रूट थ्री, तो ये हो गया फोर डिवाइडेड बाय फाइव रूट अंडर सिक्स। तो कॉस आप उधर ले जाइए, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स फोर डिवाइडेड बाय फाइव रूट अंडर सिक्स, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि दोनों लाइन के बीच का जो एंगल है वो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स फोर बाय फाइव रूट अंडर सिक्स आ रहा है। तो इस तरीके से अगर कार्टेशियन इक्वेशन दिया हुआ हो तो उसको हम लोग सिमेट्रिक फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेंगे अगर नहीं है तो, और उसके बाद फिर हम लोग उसका जो फार्मूला होता है ये फार्मूला जो है उसमें पुट करके हम लोग एंगल निकाल लेंगे। तो ये हुआ फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम। अब फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इससे रिलेटेड और भी कुछ प्रॉब्लम, इन दो लाइन के बीच का एंगल निकालने से रिलेटेड और भी प्रॉब्लम मैं बताऊंगा। ये वीडियो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।